कलेक्टर साहब जैसे रनौद और सतनवाड़ा में सरकारी जमीन से हटाया अतिक्रमण, वैसे ही ईदगाह के पास से हटाएं। ईदगाह पर हुए अतिक्रमण को मुक्त कराने विहिप ने सौंपा ज्ञापन। कलेक्टर साहब, सुना है आप अतिक्रमण विरोधी मुहिम चला रहे हैं। आपने जिस तरह रनौद और सतनवाड़ा पर सरकारी भूमि से अतिक्रमण को हटाया है, उसी तरह की मुहिम शिवपुरी में भी चला दो। यहां ईदगाह के पास पड़ी 50 करोड़ की बेशकीमती भूमि पर भू माफियाओं ने अतिक्रमण कर कब्जा कर अपना एकाधिकार कर लिया है। इतना ही नहीं, एक दर्जन से अधिक दुकानों के अवैध निर्माण कर लिया है, जिनको प्रशासन ने रुकवा तो दिया लेकिन उसे तोड़ने की हिम्मत नहीं दिखाई। क्या आप कार्रवाई कर इस अवैध अतिक्रमण को मुक्त करा पाएंगे? ये बात विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने प्रशासनिक अधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन के दौरान कही। ज्ञापन में वेटनरी हॉस्पिटल के पास पड़ी भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग की गई। दरअसल आश्वासन कलेक्टर साहब ने दिया है, कुछ दिन के बाद ये कार्रवाई स्टार्ट होगी, लेकिन उसमें क्या है कि वक्फ बोर्ड का थोड़ा स्टे लगा हुआ है, तो उस पर हमारा जो एडवोकेट है वो एडवोकेट बैकेंड कराएगा उसको। बैकेंड कराने के बाद में प्रशासन उस पर सक्रिय होगा, और प्रशासन अगर सक्रिय नहीं हुआ तो उसके बाद विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल वो अपने आप में सक्षम है, वो सक्रिय होकर के अपनी कार्रवाई करेगा कुछ दिन के बाद में। जब तक प्रशासन को हमने कई बार आवेदन दिए, 2017 से हम आवेदन देते आ रहे हैं, और उस पर कोर्ट द्वारा वहाँ पे पेनल्टी भी लगाई गई है, करीब 4 लाख 4.5 लाख के करीब पेनल्टी भी लगाई है उस पर। उसके बावजूद भी मतलब क्या है कि वक्फ बोर्ड जो बोर्ड होते हैं, तो बोर्ड में क्या है कि वो स्टे तो उन्हीं का बोर्ड है और उन्हीं के एडवोकेट हैं, तो वो तो स्टे तो ले ही सकते हैं ना। तो उसको बैकेंड कराने के लिए अपना एडवोकेट खड़ा करेंगे। एडवोकेट खड़ा करने के बाद, बैकेंड होने के बाद, प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि हम कुछ ही दिनों में, जैसे ही बैकेंड हो जाएगा, तो अतिक्रमण को हम हटा देंगे।